तो आदेश जारी हो चुके हैं, धान की खरीद के लिए तैयारी भी प्रशासन की ओर से कर ली गई है, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है इन दावों की और क्या वाकई में कोई किसानों को परेशानी कैथल में नहीं आएगी? हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी की भी रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो धान की खरीद का समय है वो 3 अक्टूबर कर दिया गया। इससे पहले जो धान की खरीद का समय 1 अक्टूबर था, उसके बाद वो पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जगह जगह पे कैथल हो, करनाल हो या फिर अम्बाड़ा या कुरुक्षेत्र, जगह जगह किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसके और जो मार्केट कमेटी के दफ्तर थे उनमें ताले लगाए गए, मंत्रियों और जो विधायक थे उनके आवासों का घेराव भी किया, जिसके बाद कहा ये जा सकता है कि आज यानी 3 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू होने का सरकार ने समय दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि कैथल की जो अनाज मंडी है वो धान से अटी पड़ी है। पूरी अनाज मंडी में जो धान की ढेरियाँ हैं वो पड़ी है। इसके अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 दिन से जो धान का सीजन की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है और किसान लगातार अपनी जो मैसेज उनके पास पहुंच रहे हैं उनके अनुसार धान लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि सरकार ने 3 अक्टूबर का समय निर्धारित कर दिया। क्या नाम है जी? क्या नाम है? सतपाल। सरकार ने आज यानी 3 अक्टूबर का समय निर्धारित कर दिया धान की खरीद का, क्या कहना है? ऐसा है, परमात्मा के आगे किसी का हाथ नहीं चलता। मौसम बरसात होगी, इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। भाई जो है कम बद्दी मॉइस्चर को मतलब जो है 10 रुपये कम 20 रुपये कम बद्दी करके इसको निबेड़ना तो पड़ेगा। फसल तो पक रही है सारी, फसल कच्ची नहीं है। खेत के मॉइस्चर को कोई नहीं ख़त्म कर सकता और खेत में अगर वो पड़ी रही वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका हल तो मतलब दोनों ने मिलकर ही काटना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि जो रुक रुक कर बरसात हो रही है उसकी वजह से जो धान की फसल है जीरी है उसमें नमी थी, इस वजह से 11 पोस्टपोन की गई, लेकिन किसानों के दबाव के चलते अब 3 कर दी। सर नमी तो है लेकिन अगर नहीं बिकेगी तो खराब हो जाएगी, किसान क्या करेगा? खेत में भी नहीं इसको रख सकता ना घर पे रख सकता। मंडी में लेके आ गया तो मंडी में पड़ी है, उसमें नीचे तक खराब होने लग रही है, स्मेल होगी उसमें तो गिल्ली है, थोड़ी मॉइस्चर तो है। अब तो यही चाहवा भी आज अगर बोली आ जाए तो अच्छी बात है, हम सरकार से सहमत हैं अगर आज बोली आ जाए तो। क्या कहना है, फैसला सरकार का या फिर किसानों का दबाव? किसानों का दबाव सर, ये किसानों के कारण ही आज खरीद अगर चालू हो गई तो बहुत बड़ी बात है सर। वैसे क्या लगता है, जैसा कि जो गेहूं का सीजन था उस वक्त 1 तारीख को शुरू करवा दी गई थी लेकिन वो 5-6 दिन बाद ही खरीद शुरू हुई थी, क्या कहना है अब शुरू हो जाएगी? उम्मीद है? उम्मीद तो है, देखो कल खट्टर ने बोला है जी, आज देखते हैं 9-10 बजे तक बोली आती है तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा कार्रवाई करनी पड़ेगी किसानों को। जो मेरे भाई जहाँ पे बैठे रहते हैं, किसान आगे नहीं जाते किसानों के साथ, उन भाइयों को भी साथ जाना चाहिए, क्यों जो सबका मिलके यह है काम, कोई एक आधे का तो है नहीं, बोल देते हैं तुम चले जाओ। अरे भाई सारे जाओगे तो बात बनेगी ना। अगर फसल खरीद में देरी होती है नुकसान क्या होता है? नुकसान तो नुकसान ही है सर, आपको नहीं पता क्या नुकसान होता है। मंडी में जो जाम लग जाएगा, आप देख लो डेरी उतारने की जगह है, अगर जहाँ पे बारिश हो गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाती है तो फिर इसको तो कोई भी ना खरीदेगा, इसकी तो नमी रही जाएगी, फिर कहाँ खिलाएगा जिम्मेदार इसको? देखो थोड़ी सी तो है नहीं भी घर ले जाएगा अपने। तो क्या आज 3 तारीख के फैसले खुश है? फैसले से तब खुश होएंगे ना अगर बिकेगी तो, जब तक बिकती नहीं है हम तक खुश नहीं है, खुश ये सरकार से ही खुश नहीं है यार, स्पष्ट बात तो ये है। बिल्कुल, जैसा कि किसानों का कहना है कि सरकार ने 3 अक्टूबर का समय दिया है धान खरीद के लिए, अगर 3 तारीख को उनकी 3 तारीख से खरीद शुरू हो जाती है, बोली शुरू हो जाती है तो किसान सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके अलावा किसानों ने ये भी कहा है कि अगर उनकी फसल मंडी में पड़ी रहती है, देरी होती है तो फसल खराब होने का, उनकी फसल का नुकसान होने का उनका डर है। कैथल से वीरेंद्र पुरी, खबरें अभी तक।